रेप करने की धमकी दे रहे हैं वो, रेप करवा देंगे ज्यादा उड़ोगी तो, करवा के तो दिखा है मेरे पास प्रूफ है। रोशन ने एक बार बात भी की है तो वो धमकी देने के लिए, थाना के पास कुछ भी नहीं है, हम अपने दोस्त क्या रह रहे हैं और ये कपड़ा किसका है पूछिए उससे, रोशन रोई का पहने में सब रूम पे ताला मारा हुआ। आप लोग जब इतना ये कर रहे हैं ना तो रोशन रोई से बोलिए उस रूम उस गेट का ताला खुलवाने के लिए, सब चीज वहाँ प्रूफ मिलेगा आपको। नचनिया भी कहा गया है, सोने टाइम नचनिया नहीं दिख रहे थे क्या आप उनके साथ फिजिकल भी थे जिस घर में वो सिंदूर है मांग में, देख सकते हैं आप लोग, देखिए सही से देखिए अंदर। प्रूफ का क्यों बात कर रहे हैं यार, हम तो सारा प्रूफ पे बात कर रहे हैं। वो सबसे कुछ कुछ लोग को वो मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहे, क्यों ऐसा? किरण जी देख रहे हैं बैक टू बैक आपका मामला सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या मामला है रोशन रोई के साथ में और क्या है जो आप दर बदर भटक रहे हैं बार बार मीडिया में आप नजर आ रहे हैं? क्योंकि रोशन जी 20 दिन से छोड़ के भागे हुए। रोशन जी के बारे में जैसे कि आपने बताया कि रिलेशन में थे, हम उनका पत्नी और पति का रिलेशन बताया गया था तो क्या यह सच है, क्या वो आपके पति थे? हाँ, 2 साल से हम साथ में रहे, रिलेशन बनाने से पहले, लिव इन रिलेशन में आने से पहले हम दोनों, हम उनको बोले भी ये चीज कि हम लोग अभी शादी नहीं की, हम लोग शादी के बाद ये सब करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है शादी हम लोग कर लेते हैं, मांग में सिंदूर दिए। सिंदूर का मतलब सबको पता है, मांग में लड़के के हाथ से पड़ने के बाद चाहे कहीं पे भी पड़े शादी उसको माना जाता है। दिखा दे रहा हूँ किरण जी, जब तक आप प्रूफ निकाल रहे हैं एक सवाल आपसे रहेगा, क्या आप उनके साथ फिजिकल भी थे जिस घर में वो बंद है अभी, जिस रूम में वो गेट बंद करवा दिए हैं, ताला मरवा दिए हैं। वीडियो तो नहीं है, सिंदूर दे तो वीडियो तो नहीं है, तो वो तो सब चीज उनके फोन में है ना, मेरा जो एक फोन था जो वो फोड़े थे, जो वो बोल रहे हैं कि उसको दूसरे के साथ देख के हम फोन फोड़ रहे हैं तो गलत बात है, उसमें बहुत सारा प्रूफ था, भागने के टाइम वो फोन फोड़ गए लेके वो गए। उनका आरोप ये भी है कि आप 10 लोग से बात करते थे, जब वो आते थे आप नंबर डिलीट कर देते थे, ऊपर से 3 सिम आपका तोड़ के भी फेंके। कॉल डिटेल निकलवाइए मेरा जितने से हम बात किया। और दूसरी बात कि बात किए तो क्या प्रूफ है आपके पास कि हम बात किए, और क्यों बात करते दूसरे मर्द के साथ रंगरलिया मनाते रहते हैं, अभी आपके पीछे ये नहीं करते, आपको आपके पास आने के लिए और आपको अपने पास रखने के लिए ये चीज नहीं करते। 5 लाख रुपए की डिमांड की है इसलिए आप मीडिया में आ रहे हैं, करोड़ रुपया भी ला दें पीछे वो करोड़ रुपए की बात करें ना, ये भी आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ पैसा से प्यार करती है, हमसे नहीं प्यार करती है। कितना पैसा उनके पास थोड़ा पूछ के आइएगा, तो आप लोग जो मेरे पास ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनके पास ये कीजिएगा, कितना पैसा है? शुरू टाइम जिस टाइम उनके साथ हम रहने आए थे क्या पैसा था उनके पास? कुछ भी नहीं था, तब से हम उनके साथ रह रहे हैं और प्यार में पैसा कैसा यार? वो बोलते हैं कि वो हमेशा मेरे पीठ पीछे पूछते रहती थी लोगों से कि रोशन रॉय कितना कमाता है, क्या कमाता है, हमेशा पूछते रहते थे। क्या रोशन रॉय पटना में घर ले रहे हैं? सिंगर के बारे में हमको नहीं पता है, और कौन सा पटना में कहां उनका घर है, मेरे आने के बाद वो गाड़ी ली है, मेरे थोड़ी मेरे पहले से गाड़ी लेके रखे हुए थे कि हम गाड़ी देख के आए, पैसा देख के आए, कुछ नहीं था, तब से हम साथ में। आप लगातार बोलते हैं हम प्यार करते हैं प्यार करते हैं, ये प्यार कहां तक सही है कि सोशल मीडिया पे उजागर कर देना, ये आरोप लगा रहे हैं, पहले आप आरोप लगा दिए। ये कौन सा प्यार? वो भी प्यार करते थे ना, वो कह रहे ना कि बहुत मानते थे उसको, ये करते थे वो करते थे, ये कौन सा प्यार है कि घर में कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं मेरे पास है, आप रूम पे ताला, ये प्यार था तो रूम पे ताला क्यों मरवाए, प्यार था तो रूम पे ताला क्यों मरवाए, नहीं मरवाते ना, रोड पे तुम ला के खड़ा कर दिए, कोई प्यार है? कौन सा प्यार है यार? वो भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे माता पिता को बर्बाद करने तक कहा, ये कहां तक सही है? अगर प्यार करती तो मेरे माता पिता पे नहीं जाती। क्या उनके मम्मी को गाली बके? गाली नहीं बके, बोल बर्बाद कर देंगे सबको, हम आप बोले फैमिली पे गए बर्बाद तो हम हो रहे हैं। कब बर्बाद करने की धमकी दी उनसे? प्रूफ मांगिएगा थोड़ा। वो बिना प्रूफ का क्यों बात कर रहे हैं यार, हम तो सारा प्रूफ पे बात कर रहे हैं। वो सबसे कुछ कुछ लोग को वो मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहे, क्यों ऐसा? जो आप में हाँ मिलाएंगे उन्हीं को आप इंटरव्यू दीजिएगा, और किसी को नहीं दीजिएगा, आप सबको दीजिए। सही है तो जो बिल में घुसे वहां से निकलिए पहले, आप क्यों छिपके आप रह रहे हैं? आपको छिपके रह रहे हैं, आपको नचनिया भी कहा गया है, सोने टाइम नचनिया नहीं दिख रहे थे, नचनिया के साथ शादी रखेंगे तो इन तो वो इंटरव्यू में क्यों बोलेंगे शादी करेंगे? अच्छा नचनिया क्या होता है, नचनिया होता क्या है? तुम एक नचनिया को छोड़ के दूसरी नचनिया के पीछे भागने के फिर में क्या आपको स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि रोशन रॉय हमारे साथ आगे चल के ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है। हमको ऐसा लगा जो लड़का काम छोड़वा रहा है शायद काम उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद लाइफ टाइम तक रहेगा। विश्वास नाम का भी एक चीज होता है जो हम उनपे किए विश्वास। वो बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं रखेंगे किरण सिंह को, और किरण सिंह उन्हीं के साथ रह के दिखाएगा। जो ऐसे बोल रहे हैं कि हम रोशन रोई खड़ा रहेंगे तो हम लड़की है जितना जाने पर रखेंगे, तो जाते क्यों नहीं है, भाग क्यों रहे यार, गजब हाल है, भागते क्यों हो? जो 6 तारीख को डेट था वहां तुम क्यों नहीं आए, डेट पे आओ ना। क्या स्टार्टिंग में रोशन रॉय की फैमिली राजी थे आपको रखने के लिए? शुरू से राजी है,
उनके पापा इंटरव्यू दे रहे हैं, जब वो जैसे बोल रहे हैं कि नहीं रोशन रॉय जब नहीं तैयार है, पापा कैसे उनके मान रहे हैं? फैमिली वाला भी क्या उनसे ये प्रूफ है आपके पास? फोटो है, फोन में है सब चीज, लेकिन वो फोन मेरे पास नहीं है। कितने बार ये चीज बोल चुके हैं? आप रोशन रॉय का आप कौन है? जब वो लड़का वाइफ है उनकी, वाइफ है नहीं, मांग में सिंदूर न गले में मंगलसूत्र, वाइफ कैसे हो गए? क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम अपनी दोस्त क्या रह रहे हैं? और ये कपड़ा किसका है पूछे उससे, रोशन रॉय का पहने में सिंदूर क्यों नहीं लगाया? सिंदूर है मांग में, देख सकते हैं आप लोग, देखिए सही से देखिए, अंदर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। लेकिन महिलाएं अगर सिंदूर लगाती हैं तो उसका आगे नजर आता है, ये नहीं कि छिपा हुआ रहता। तो ऐसा थोड़ी है कि पहला बार हम अंदर लगा रहे, शुरू से लगा रहे, जब से रोशन रॉय मेरे मांग में सिंदूर डाले। अच्छा किरण जी, जब आप शादी कर रही थी क्या हुआ? मंगलसूत्र कुछ भी नहीं है, सब रूम पे ताला मारा हुआ। आप लोग जब इतना ये कर रहे हैं ना, तो रोशन रॉय से बोलिए उस रूम उस गेट का ताला खुलवाने के लिए, सब चीज वहाँ प्रूफ मिलेगा। अच्छा कुछ और उनको बोलिए फोन देने के लिए, सारा प्रूफ ला देंगे हम, बिना प्रूफ का कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए दोनों तरफ से ऐसा बयानबाजी की जा रही है, कमेंट सेक्शन में आ रहा है। क्या होने के लिए? कमेंट सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। वायरल किस चीज के लिए? सोशल मीडिया में बने रहने के लिए। पहले से क्या नहीं थे क्या हम लोग? तो अचानक से ऐसा आना, बयानबाजी करना, किसी के साथ गलत होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं कि आगे जाके फिर और ज्यादा काम मिले लोगों को, जो नहीं जानते थे कि किरण सिंह को या रोशन रॉय को, वो लोग भी अब जानेंगे इंडस्ट्री में। जिनको जो बोलना है बोलते रहे, मेरा जो लड़ाई है वो लड़ते ही रहेंगे हम, चाहे उसके लिए गलत बोले चाहे सही बोले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबूत के साथ खड़ा हो रहा है। वो तो डायरेक्ट बोल रहा है, लंद फंद जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सबको इंटरव्यू दीजिए ना यार, आप में ताकत नहीं इंटरव्यू देने का। एक एक लोग को गाड़ी में दे रहे हैं, कभी दोस्त क्या दे रहे हैं, एक जगह हुई हम तो सब का बोल रहे हैं। एक थाना के बाद यहीं पे मैं सब जगह से इंटरव्यू जा रहा है। एक जगह आइए, जब आप इतने सच्चे हैं तो क्यों भाग रहे हैं? सच्चाई का सामना कीजिए ना आगे, क्यों भाग रहे हैं आप? एक लड़की का फैमिली छुड़वा के, काम छुड़वा के, 2 साल यूज करके आप छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो, आपके साथ गलत करने की धमकी भी दे रहे हैं। हाँ रेप करने की धमकी दे रहे हैं वो, रेप करवा देंगे ज्यादा उड़ोगी तो, करवा के तो दिखा है मेरे पास। अच्छा ये पारिवारिक मामला है, क्या आप दोनों परिवार बैठ के इस पे कभी बात किए हैं? कितने बार कर चुके हैं, उनका कहना है हम अभी अभी जब रोशन रॉय आपसे छोड़ के चले, कोई बात करेगा तब ना यार, मेरे से बात क्या कर रहा है? उसका ड्राइवर भी बात करता, बदतमीजी करने लगता है मेरे साथ। रोशन रॉय एक बार बात भी किए तो वो धमकी देने के लिए, थाना का जब वो बात सुने कि थाना जाने वाली हो, डायरेक्ट धमकी देने लगे, रेप करवा देंगे। मनीष कौन है? मनीष उनका ड्राइवर है। वो क्या धमकी देता है? गोड़ हाथ तुड़वा देंगे, ज्यादा उड़ेगी तो सब। उसका ड्राइवर धमकी देता है? हाँ, और जो तुम्हारे साथ है उसका भी गोड़ हाथ तुड़वाएंगे, गाली बकबक के, गंदा गंदा। ड्राइवर आपको क्यों धमकी दे रहा है? आपके पति दे रहे हो समझ में आ रहा है? ड्राइवर तो पति किस चीज का धमकी देंगे? मारने का ना देंगे कि हाँ चलो एक दो थाप मारेंगे, ज्यादा उड़ोगी तो? रेफ करवाएगा गंदे शब्द में? ये कहाँ का नियम कानून बनाया कि पति रेफ करवाएगा? तो आप इससे पहले थाना में क्यों नहीं गए? थाना में गए तो इस मामले से पहले। आप लोग जैसे बोले अभी फैमिली मैटर, ठीक है आप लोग की बात पे फैमिली मैटर, मैडम के पास मैंने क्या जाके बोला? मैडम उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको समझाने के लिए, बात करने के लिए। केस नहीं किए डायरेक्टली कि हाँ मतलब ये कर दिए वो कर दिए वो, नहीं। लड़के को भी डेट इधर उधर पड़ गया, मैडम 29 तारीख को उनको बुलाएं, 6 को हमको बुलाएं। हम सोल्यूशन के लिए न गए मैडम के पास, हमको पता है पुलिस प्रशासन से कि हमको सपोर्ट मिलेगा। मैडम बोली है लड़का नहीं उस चीज के लिए तैयार होता है, हम लोग तुम्हारे साथ खड़ी है, तो उन लोग पे हमको फुल सपोर्ट पता है कि वो लोग हमको करेंगे। उम्मीद लग रहा है जितना बदनामी वो हम पे थोप रहे, ठीक है तो भी हम उनके साथ रहने के लिए इसलिए तैयार हुए हैं, 2 साल आप मेरे साथ रिलेशन में रहे और आप ही के साथ रहेंगे।